प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की मौत। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। हार्ट अटैक के बाद SRN अस्पताल में कराया गया था भर्ती। उमेश हत्याकांड में आरोपी था नफीस बिरयानी। कल नफीस बिरयानी को आया था हार्ट अटैक। अस्पताल में इलाज के दौरान नफीस की हुई मौत। माफिया अतीक अहमद का फाइनेंसर था नफीस। नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस को आया था हार्ट अटैक। 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था नफीस। मुठभेड़ के दौरान नफीस बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। ये इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर। एक बार फिर से आपको बता दें, अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की मौत। हार्ट अटैक के बाद SRN अस्पताल में कराया गया था भर्ती। नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस को आया था हार्ट अटैक। 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था नफीस। मुठभेड़ के दौरान नफीस बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। उमेश हत्याकांड में आरोपी था नफीस बिरयानी। अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की मौत। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।